cell is stored in vesicle called food vacuole. Once a lysosome has fused with the food vacuole, the resulting structure is called secondary lysosome, in which food begins to digest. The digested products are absorbed by the cytoplasm, while the remaining waste-containing vesicle is now called contractile vacuole. Later on, these vacuoles fuse with the cell membrane exocytosis to eliminate undigested waste. This whole process is known as intracellular digestion. अच्छा इस सारे function को हम intracellular digestion कहेंगे कि जिसमें जितना भी food vacuole जिसको हम कहते हैं जिसमें store होती हैं जितना भी स्टोर चीज़ें हैं लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम से जितना भी फूड वेस्ट मटेरियल होता है या फूड जितना फूड आता है इसमें इसके फंक्शन में तो उससे क्या होता है कि वो जो उसने जो फूड उसने रखनी होती है वो रख लेता है वो अब्जॉर्ब करा देता है साइटोप्लाज्म में और जो फूड नहीं रखनी होती वो वेस्ट कर देता है ठीक है एलिमिनेट कर देता है इस प्रोसेस को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं और जो साइटोप्लाज्म में चली जाती है उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं और जो सेकेंडरी लाइसोसोम है सेकेंडरी लाइसोसोम का मतलब है जब वो फूड वैक्यूल के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम फूड ऑफ सेल इज स्टोर्ड इन वेसिकल जो फूड सेल के अंदर स्टोर हो चुकी है वेसिकल के अंदर उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल ठीक है The process by which unwanted structure within the cell are engulfed and digest within the lysosome is called autophagy. अच्छा वो process जिसमें unwanted structures जो हैं digest हो जाते हैं उसको हम कहते हैं autophagy. और this is self-eating process. इसको हम self-eating process कहते हैं cell के अंदर cell की जिसमें lysosome जो है ना digest करता है cell को अपने ही organelle को अपने ही cell को digest कर लेता है इस ऐसे lysosome को हम autophagosomes भी कहते हैं autophagosomes ठीक है मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि autophagosomes हम किसको कहते हैं ये autophagosome है यहाँ पर मैंने red color के market से निशान लगा दिया आप देखें तो इससे क्या है कि हमारे जो 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 लाइसोसोम है वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है इस प्रोसेस को या तो ये जो प्रोसेस है या तो ये प्लेस लेता है अपने स्टार्वेशन पीरियड के अंदर जैसे कि भूखे रहने से जो है जो भी सेल्स होंगे वो कंज्यूम हो जाएंगे ताकि एनर्जी कंटेन कर सकें सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी और इट अकर्स इन रूटीन इन ऑर्डर टू कंट्रोल नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स या फिर जब ज़्यादा ऑर्गेनल्स हो जाते हैं ज़्यादा सेल्स हो जाते हैं तो उसको कंज्यूम करने के लिए वो उसको ख़त्म करने के लिए वो कंज्यूम करता है और उससे एनर्जी बनती है जैसे हम भूखे रहते हैं हम इंसान भूखे रहते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम भूखे रहने से हमारे जो फैट्स होते हैं वो जल जाते हैं ठीक है एक्स्ट्रा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो इससे क्या है कि हमारी बॉडी रीन्यू होती है इससे हमारे अंदर एनर्जी पैदा होती है सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम समवन स्टार्ट टू परफॉर्म हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज जैसे कोई स्टार्ट कर दे हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज को नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिगिंस टू इंक्रीज इन हीज मसल सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा उनकी मसल सेल्स में जो भी एक्सरसाइज करेगा मस्कुलर एक्सरसाइज जो करेगा और बट इफ़ ही लीव्स एक्सरसाइज अगर वो छोड़ दे एक्सरसाइज को नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे ऑटोफेगी के प्रोसेस में अब हम आगे चलते हैं व्हेन अ पार्टिकुलर सेल इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिसइंटीग्रेटेड एक जो टाइप है सेल की वो ख़त्म हो जाता है और डेथ इज़ कमिटेड अ टाइप ऑफ सेल डेथ इज़ कमिटेड कॉल्ड ऑटोलाइसिस सो दिस इज अ प्रोग्राम सेल दैट इन विच लाइसोसोम ब्रस्ट एंड देयर एंजाइम्स कंटेंट आर क्विकली डिस्पर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इसमें क्या होता है जो सेल ख़त्म हो जाता है उसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस इस प्रोग्राम को इस सेल के प्रोग्राम को हम कहते हैं डेथ प्रोग्राम सेल डेथ जिसमें लाइसोसोम जो है ब्रस्ट हो जाता है उनके एंजाइम्स जो हैं एंजाइम कंटेंट जो है वो क्विकली डिस्पर्स हो जाते हैं सारे साइटोप्लाज्म में और इस तरीके में क्या होता है कि जो सेल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है फ्रेगमेंट्स में जो कि फैगोसाइटोसिस में वो अदर सेल्स में चला जाता है और इस लाइसोसोम की वजह से हम इसको सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि अपने सेल को खुद ही कंज्यूम कर लेता है देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में आपको कैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें ऐसे इस तरह जा रहा है
ठीक है, फूड इस तरह जा रही है, फिर यहाँ पर एंडोसाइटोसिस हुआ फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे हमारे पास देखें यहाँ पे अर्ली एंडोप्लाज्म एंडोसोम, लेट एंडोसोम एंड सेकेंडरी एंडोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। देखें अब वहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको कि यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम है जो जिसका प्रोसेस इस तरह से होता है, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है और प्राइमरी नीचे भी प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फूड आई हमारे पास, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमारे पास फूड आई, यहाँ पर फूड आई और ऐसे कंज्यूम हुई, ठीक है। और उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम इसी तरह इसके जो, अगर देखो मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया था कि जो भी टॉपिक है उसकी अगर डायग्राम है तो उसको समझना इज़ द फर्स्ट थिंग। सो सबसे पहले आप कोई भी डायग्राम, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को हम बायो में रीड करते हैं या किसी भी और सब्जेक्ट को रीड करते हैं, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखें डायग्राम की, तो उससे क्या होगा कि आपको सारे फंक्शंस की समझ आ जाएगी, ईजीली आपको रीड कर लेंगे, एक ही दफ़ा रीड करने में आपको समझ आ जाएगी। सो लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अब। Since lysosome contains various digestive enzymes, if a particular lysosome enzyme is missing in an individual, अच्छा लाइसोसोम में जो क्या है वो कंटेन करते हैं वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, पहले भी मैंने बताया, जिसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं जो कि मिसिंग हो जाते हैं इंडिविजुअल फंक्शन में, और जो डाइजेशन है पार्टिकुलर सब्सटेंसेस की जहाँ पर एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और अफेक्ट हो जाते हैं, इसका रिजल्ट यह है कि सब्सटेंस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल के अंदर और कॉज करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस में कॉजिंग फैक्टर क्या है कि इसकी जो एक्यूमुलेशन है वेरियस सब्सटेंसेस की सेल के अंदर ड्यू टू लेक ऑफ सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम्स के कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ठीक है, जिनको हम लाइसोसोमल स्टोरेज कहते हैं, आर कॉल्ड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं जो फैमिलीज के अंदर चले जाते हैं और फिर एग्जिट कर जाते हैं बाय बर्थ इन एन इंडिविजुअल, और मोस्ट ऑफ दिस डिजीज आर फेटल इन अर्ली चाइल्डहुड, कुछ जो डिजीज़ हैं वो फेटल हैं अर्ली चाइल्डहुड में, अबाउट मोर देन 20 सच डिजीज हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, 20 डिजीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, और वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल इज़, जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है जो डिजीज़ कॉमन है वो टे सैक्स डिजीज़, इन विच अ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज मिसिंग और इनएक्टिव एंड द ब्रेन बिकम्स इम्पेयर्ड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द सेल। इसमें क्या होता है कि जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम या तो मिसिंग होता है, बिल्कुल ही नहीं होता, या फिर ये होता है कि वो होता है लेकिन इनएक्टिव होता है, ठीक है, जो ब्रेन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, उसकी जो एक्यूमुलेशन है वो लिपिड्स की सेल के अंदर वो बनती नहीं है, उस तरह एक्यूमुलेशन नहीं होती उसकी। अच्छा फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।